छतरपुर में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। इन माफियाओं को ना तो कानून का डर है ना ही प्रशासन का। अलीपुरा में रेत माफियाओं को रोकने पर माफियाओं ने तहसीलदार से अभद्रता की और पटवारियों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। छतरपुर में रेत माफिया अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला अलीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर देर रात तहसीलदार और उनकी टीम शासकीय कार्य कर वापस लौट रही थी, तभी सामने से आ रहे अवैध रेत लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्होंने रोका और जब वे उसे थाने ले जाने लगे, तभी ट्रैक्टर के ड्राइवर ने रेत से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर पलट दी, जिससे तहसीलदार के ड्राइवर के पैर में गंभीर चोटें आईं। वहीं आधा दर्जन रेत माफियाओं ने पहुंचकर तहसीलदार बीपी सिंह से अभद्रता करते हुए उनके ड्राइवर और पटवारी के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी तहसीलदार ने अलीपुरा थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं कल एक कोविड मरीज ग्राम बोधी में निकला था, उसकी जांच के सिलसिले में बोधी से लौट रहा था, तो अलीपुरा होती हुई आ रहा था। अलीपुरा में रेत से भरा ट्रैक्टर मिला, जिसको पकड़कर थाने पहुंचाया जा रहा था, तो उसने कुछ आगे जाकर रेत खाली कर दी और ट्रैक्टर दौड़ाकर पलटा दिया। उस पलटाने के दौरान मेरे ड्राइवर पहिया उसके पैर उसके पहिए के नीचे आ गया था। जब तक मैं पहुंचता तब तक उन रेत माफियाओं के 4-5 लोगों ने उसके साथ मारपीट भी कर दी। हम लोग बोधी गांव गए थे, कोरोना के मतलब एक कोरोना का मरीज वहां पर पाया गया था, तो वहां से लौट रहे थे। फिर अलीपुरा होकर निकले, तो अलीपुरा जैसे ही घुसे वहां पर एक बालू का ट्रैक्टर आया सामने तहसीलदार साहब, तो तहसीलदार साहब ने गाड़ी को रोका, बोले चलो थाने ले चलो इसको, तो तहसीलदार साहब ने थाने के लिए बोल दिया और हमें और पटवारी जी को ट्रैक्टर बैठा दिया, पुलिस को थाने ले चलो। हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो उसने इतनी तेज़ी से ट्रैक्टर चलाया, आगे जाके भवनराजाई गड़ी के पास से आगे निकला और वहाँ जाकर उसने ट्रैक्टर पलटा दिया, बालू रास्ते में खाली कर दी और हम लोग गिर गए, ट्रैक्टर नीचे दब गए, फिर उसके बाद मारने लगे। पटवारी साहब और तहसीलदार साहब तो थे ही साथ में और उनका ड्राइवर था। ये लोग जो है उधर से कोरोना के केसेस के संबंध में से आ रहे थे, तो रास्ते में उनको सूचना मिली कि क्या नाम से कोई रेत का ट्रैक्टर जा रहा है, अगर जो भी, तो उन्हें रोका, तो ड्राइवर और उनके जो पटवारी साहब थे उनने ट्रैक्टर को रोका, तो रोका नहीं और उसको तेज़ी से भगा के ले गया और जो लोग उधर साथ में थे तो पलटा दिया ट्रैक्टर, तो पटवारी साहब के दाहिने पैर में चोट आ गई और फिर वो लोग ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।